उसे भी आवेश का देना ध्यान रखना, ध्यान रखना इस बात का, वापस लौट जाइए। और मंत्री से कहा है, अरे लौट तुम बगिया कौन नहीं हो, चारों तरफ से घेर लेना, सुबह हम आएंगे उस सुकर को मारने। जब उसी समय पर गए तो मंत्री को वापस कर दिया। जब मंत्री को वापस किया तो मंत्री उसी समय पर गया और बात करने लगा। सुबह हुआ, जाकर के राजा हरिश्चंद्र भी पहुंचे, सुकर को देखा और ये चारों तरफ ऐलान कर दिया कि जिस किसी की तरफ से सुकर निकलेगा उसे मैं प्राण दंड दे दूंगा। विश्वामित्र ने सोचा, मैं क्यों ना राजा हरिश्चंद्र की तरफ से ही निकलूं? तो राजा हरिश्चंद्र की ओर से सुकर निकला और उसी समय पर राजा हरिश्चंद्र ने देखा जाते हुए घोड़े को पीछे डाल दिया। जैसे ही घोड़े को पीछे डाला, अब आगे आगे सुकर है और पीछे राजा हरिश्चंद्र, बाण चलाते हैं, सुकर बिलो जाता है, अदृश्य दिखता नहीं है। कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंबर में उड़ रहा है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन में समा। ध्यान रखना, आगे जाके सुकर अदृश्य हो गया और विश्वामित्र अपने रूप में आकर के दो कन्या पास बिठा ली योग माया के द्वार में। और जैसे ही योग माया द्वारा बिठाई, राजा हरिश्चंद्र आते देखे, राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बाबा यहां से आपने सुकर को जाते देखा है क्या? बोले, हाँ मैंने कोई सुकर नहीं देखा, लेकिन तुम कौन हो? बोले, बाबा मैं अवध नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं। अवध नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूं? बोले, हरिश्चंद्र हो सत्यवादी हरिश्चंद्र? बोले, हाँ। बोले, कैसे राजा हो, एक सुकर को मार रहे हो जो बेजुबान है, बोल नहीं सकता है? बोले, महाराज क्षमा करिए, उसने मेरी बगिया को तोड़ दिया है। तो क्या हुआ, कैसे निर्दयी राजा हो, जीव लेना, जीव की जान लेना चाहते हो? बोले, बाबा क्षमा करो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले, मैं बेटी है मेरे पास में, तेरा नाम मैंने भी सुना था, मैं चाहता हूँ कि तू कुछ दान दे दे मुझे। बोले, बाबा यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दान दे दूं मैं आपको, बताइए क्या चाहेंगे आप? बोले, मेरे पास यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास, हाँ विश्वास के लिए कुंजी लगाम है मेरे पास। बोले, यही दान कर, संकल्प कर दे। कुंजी लगाम को संकल्प करा दिया बाबा ने, और कुंजी लगाम का संकल्प करा के आज उसी समय पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बाबा और क्या चाहिए? बोले, 60 भार सोना और दे देनी बेटियों की शादी के लिए। 60 भार सोना? बोले, बोले 60 भार सोना
तो मैं महल से दूंगा, यहाँ मेरे पास नहीं है। बोले महल से देगा? बोले हाँ, तो फिर आपको मेरे साथ महल चलना होगा। बोले मैं चलूंगा तेरे साथ में महल में। महल चलना क्या है, मुझे दान लेना है तो मैं अवश्य चलूंगा तेरे साथ। तो फिर एक काम करो, चलो मेरे साथ में महल। अब बाबा को महल में ले जाने लगा और वहां जाकर के राजा हरिश्चंद्र बाबा से कहने लगा, बाबा आप बैठ जाइए। मंत्री से कहा, मंत्री बाबा को 60 भार सोना मेरे राजकोष से दे दो। इतने शब्द सुने, 60 भार सोना राजकोष से? ए राजा, किस पे हुक्म दिला रहा है? ये मंत्री मेरा है, तू कुंजी लगा का संकल्प मुझे कर चुका है, तेरा राजभार कैसे हो गया? ये गद्दी का अधिकारी मैं हूं नीचे तक। अब तो राजा हरिश्चंद्र के हो तो बोले, बाबा ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो समझ ही नहीं पाया ये हुआ क्या। बाबा धीरे धीरे करके मेरा सर्वस्व चला गया और मुझे पता ही नहीं चला। बोले एक काम कर, ये मेरे गले में हार है, ये 60 भार से ज्यादा का है, ये ले लीजिए। बोले ये भी उतार दे, ये भी राजकोष से बना है, उतार, वो भी उतार। अब मेरे को 60 भार सोना दे। मंत्री कहने लगा, महाराज क्या बात है? बोले तू शांत हो जा, हमारी बात चल रही है। भगवान देख रहे हैं, अब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हो रही है। बोले 60 बार सोना देता है कि मना करना है? बोले नहीं महाराज, मैं करता हूँ, मैं अपनी प्राण प्रिया के पास जा रहा हूँ और उसे मैं पूछ करके आता हूँ अभी। बोले पागल है क्या, कोई औरत क्यों अपनी पीठ पर जूता रखवाएगी रे? बोले नहीं महाराज, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, आप बस केवल मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं जा रहा हूँ अपने पति को पूछ करके, पत्नी को अभी वापस लौट करके आता हूँ। और जाकर के जैसे ही हरिश्चंद्र पहुंचे हैं रानी तारावती के पास, आते देखे चेहरा मुरझाया हुआ है, पिया क्या कारण है? आज मैंने एक सपना देखा है कि एक ब्राह्मण ने आके हमारा सर्वस्व लूट लिया और हमारे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र रो गए। बोले रानी तू सच कह रही है, पतिव्रता थी ना, तू सच कह रही है कि आज ब्राह्मण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारे पास कुछ नहीं है। धोखे में ही मुझसे पुंजी लगाम का संकल्प करा लिया और उसके बाद में 60 भार सोना मांगा है, अब हम ऋणी है उस बाबा के, बाबा द्वारे पर खड़ा है, बोल क्या करूं। रानी रो गई, रो करके बैठ गई। पिया क्या करें हम, अब तो हमारा सब कुछ चला गया, अब हम भिखारी हो गए, हमारे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, रे बाबरी, इस भूतल पर बड़े बड़े राजा हुए हैं, बड़े बड़े फकीर हुए, बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया, अपने आप को भी दान कर दिया, अपने आप को काट डाला, मिटा दिया, लेकिन धर्म नहीं जाने दिया। आज हमारी परीक्षा की घड़ी है महाराज, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बेचोगे तो मैं बेच जाऊंगा, अग्नि में जलाओगे तो मैं जल जाऊंगा, क्या करें, कैसे उसका ऋण चुकाएंगे हम? बोले रानी अब तू बेटा रोहित को भी साथ ले ले। बेटा रोहित को साथ लिया और कहा, उसे भी पूछ, बेटे को बताया, बेटा ऐसी बात है, क्या तू हमारे साथ देगा? बोले हाँ पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। और उसी समय पर कहने लगी रानी, पिया एक काम करते हैं, बाबा से कह दो कि बाबा हमें बेच दे और हमें बेच करके अपना ऋण चुका ले। जैसे ही बेचने की बारी आई तो राजा हरिश्चंद्र, आज तीनों प्राणी चल दिए हैं और उसी समय पर तीनों प्राणी चल करके बाबा से कह रहे हैं, बाबा आप हमें लेके चलिए, आप हमें बेच दीजिए और अपना ऋण चुका लीजिए। जब इतने शब्द हुए, बेचने का नंबर आया, तो उसी समय पर रानी बिकने के लिए तैयार हुई। रानी सोच रही है कि महाराज बेटा रोहित छोटा है बहुत, कैसे क्या होगा हमारा। आज उसी समय पर छोड़ के चले हैं अपनी राजधानी को और सारे अवध निवासी रोने लगे। बोले आप मत जाइए, हम अपना धन बेच करके हमारे पास जो होगा बाबा का ऋण चुका देंगे, लेकिन
आप इसी नगर को छोड़ के मत जाइए, ऐसा राजा होना बहुत मुश्किल है। रो रहे हैं और रोते हुए कहने लगे अब हम क्या करें। तो उसी समय पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं आपको दुख में नहीं देख सकता हूँ, और बाबा के दोनों हाथ जोड़ के कहा बाबा इस प्रजा को मेरे पुत्र के समान पाला है, आप इसे दुख मत देना, बस मेरी यही गुजारिश है आपसे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बाबा, आप किसी भी तरह से इन्हें दुख मत देना बस। और उसी समय बाबा से कहा कि बाबा हम बिकने के लिए तैयार है, छोड़ दी राजधानी और रास्ते में जा रहे हैं तीनों प्राणी बिकने के लिए। बहुत समय हो गया चलते चलते रानी कहने लगी बाबा मेरा बेटा बहुत प्यासा है और मैं इसे कैसे लेकर के जाऊं, अभी कितनी दूर है काशी नगरी, काशी में लेकर के जा रहे हैं। और रोती हुई कह रही है तारावती बाबा से क्या हमारे को।